हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है। माय टैलेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ में भिंडी की सब्जी प्याज के साथ बनाना बताएंगे। ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है। इसको आप इसको लंच में भी ले जा सकते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए, इसको भिंडी को हमने धुल के साफ़ कर लिया है। इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है इसको हमने, और प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट के उसकी कलियां निकाल ली हैं। ज़्यादा छोटे साइज़ में प्याज नहीं काटना है, उसकी कलियां निकाल लेनी है। दो बड़े प्याज ले लिए हमने, और हरी मिर्च ली है, धनिया ली है इसमें आधी चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च जैसा आपको पसंद है, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा आप ले लें, हल्दी आधी चम्मच, आधा नींबू, अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नींबू ना डालें फिर उसकी जगह पे, हरी धनिया डाल सकते हैं, हींग लेंगे इसको तड़के के लिए, और जीरा लेंगे तड़के के लिए। और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सिंपल सी रेसिपी है, फटाफट बनने वाली रेसिपी है। देखिए, जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया हमने, तेल गरम करके कढ़ाई में इसको तड़कने देंगे हल्का सा। तो इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही तेल में इसको फ्राई करना है, इसको भूनना नहीं है ज़्यादा सा, हल्का सा बस इसकी थोड़ी सी स्मेल को हटाना है बस हल्का सा। ये देखिए, इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी डालेंगे और धनिया, और इसमें डालेंगे आप लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च जो हमने काटी थी उसको चला देंगे अच्छे से, हल्का सा भूनेंगे तेल में, और इसमें भिंडी डाल देंगे। भिंडी को डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले इसमें ऐड हो जाएं। इसको चलाते रहेंगे धीमी आंच में, ये फटाफट बनती है, और इसको पराठे पूरी के साथ में खाएंगे तो बहुत अच्छी लगती है, और बच्चे भी पसंद करते हैं। आप इसको लंच में भी, आप टिफ़िन में रख सकते हैं, सुबह जल्दी होती है ब्रेकफास्ट में, तो आप बना सकते हैं इसको पराठे पूरी के साथ में। देखिए, नमक डाल दिया है इसमें, स्वाद के अनुसार अपना डाली नमक, इसको चला दें अच्छे से, और इसको धीमी आँच में, बिल्कुल धीमी आँच में पकाएँगे ढाक कर, क्योंकि भिंडी फिर नहीं लगने लगे। देखिए, भिंडी हमारी पककर तैयार हो गई, मुश्किल से 5 मिनट लगता है इसको पकने में, और नींबू डाल देंगे इसमें और इसको चला देंगे अच्छे से लास्ट में, भिंडी जब पक जाएगी तब। देखिए कितनी अच्छी लग रही है बनने के बाद में, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया, और कम मसालों में बनकर तैयार हो जाती है भिंडी, जल्दी भी पकती है ये। अब हम इसको सर्व करेंगे, ये देखिए, और धनिया से इसको सजा देंगे। ये देखिए, हरी धनिया ऊपर से आप डाल दीजिए, हमारी भिंडी बनकर तैयार है। सब्सक्राइब करें माय टैलेंट चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसे